हाय फ्रेंड्स, पद्मा किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अंगूर की मिठाई। आजकल बाजार में अंगूर मीठे मीठे आने लगे हैं। बस कुछ ही सामान में बन जाएंगे ये अंगूर की मिठाई और एकदम टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी। आप लोग ये मिठाई को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को ऑन करके ऑल कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते रेसिपी। अंगूर की ये मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम अंगूर ले लिया। इसको धो के अच्छे से साफ कर लिया। अब इसको मिक्सी की जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। आप लोग ये मिठाई जब बनाने जाए तब ये ध्यान रखिएगा मीठा अंगूर के इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ पे सारे अंगूरों को डाल दिया और इसमें डाल देंगे एक कटोरी पानी। तो यहाँ पे एक कटोरी पानी से थोड़ा सा बचा लेंगे और इसको मिक्सी का ढक्कन लगा के अभी इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे अंगूर को पीस के उसका जूस रेडी कर लिया। तो इसको अभी छन्नी में डाल के इसको छन लेंगे। इसका जो बाकी का छिलका है ना उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं एक बाउल ले लिया और इसमें एक छन्नी रख देंगे। इस टाइप का आप छन्नी लेंगे ना तो उसका जूस जो है ना अच्छी तरीके से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे अंगूर को मैंने पीस के इसमें डाल दिया। इसको इस टाइप करके छन्नी कर लेंगे। ये देखिए, इस टाइप करके छन के लेनी है आप लोगों को। तो मैंने सारे अंगूर को इस टाइप करके मैंने छान के ले लिया है। जो बाकी का हिस्सा है ना उसको मैं निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे अंगूर को अच्छी तरीके से छान के रेडी कर लिया है। ये देखिए, इसका जूस रेडी हो गया। ये देखिए, और यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर डाल देंगे एक कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने एक कप ही लिया है। एक कप कॉर्नफ्लोर में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जूस अंगूर का 3 कप। और थोड़ा सा बच जाता है उसमें वो भी डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा बच गया, ये भी डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस टाइप करके अच्छी तरीके से मिक्स करके लेनी है। तो यहाँ पे हमारा कॉर्नफ्लोर और जूस डाल के जो मिक्स कर लिया वो रेडी है हमारा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जब बनाएंगे ना तो इस टाइप करके रेडी कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक केक बनाने वाला कंटेनर ले लिया और इसमें थोड़ा मैंने ऑयल लगा लिया। ये देखिए, इस तरीके से जाके हमारा मिठाई जो है ना इसमें डालेंगे तो चिपकेगा नहीं। और मिठाई को सुंदर देखने के लिए इसमें थोड़ा सा टूटी फूटी डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा डाल दिया। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा खरबूजा की बीज, जाके हमारा जो मिठाई बनेगा ना वो सुंदर दिखे। तो हमारा मिठाई बनने के लिए सब कुछ रेडी है। तो चलिए शुरू करते बनाना। एकदम कम समय में बनाएंगे। तो एक कढ़ाई ले लिया। कढ़ाई में डाल देंगे 1.5 कप चीनी। चीनी को डालते ही इसमें डाल देंगे पानी और उसी कप से डाल देंगे 1 कप पानी। आप इसका चीनी जो है ना मिठाई का आप अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ पे मैंने 1.5 कप डाला है। चीनी और पानी के साथ चीनी को अच्छी तरीके से पका लेंगे। चीनी को जब पकाएंगे ना तो गैस का फ्लेम आप लो ही रखिएगा। चीनी को यहाँ पे मैंने पकाया 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक करके देखूँगी चीनी को। तो यहाँ पे मैंने देखा चिपचिपापन हो रहा है। तो एक तार आने लगे ना जब, तब हमारा चीनी रेडी हो जाएगा चाशनी बनके। तो यहाँ पे हमारा चाशनी बनके रेडी हो गया। अब इसमें डाल देंगे जो हमारा जूस और कॉर्नफ्लोर का मिश्रण बनाया था ना वो डाल देंगे। और एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करते जाना है। देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस टाइप करके मिक्स करते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे मिश्रण को डाल दिया है और इसको लगातार चलाते हुए पकानी है। इसको नहीं छोड़ना है बिल्कुल। छोड़ देंगे तो इसमें गुलटी बन जाएगा और आपका जो मिठाई है ना अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम में चलाते हुए पकाना है। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से पका लिया है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा अंगूर का जो कलर है ना इसमें आ चुका है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो इसमें और थोड़ा पकानी है इसको। तो इसमें थोड़ा सा डाल देंगे जो फ्रूट कलर है ना, 3-4 बूंद डाल देंगे तो और थोड़ा अच्छा कलर लगेगा। तो देखिए यहाँ पे डाल दिया और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर कलर आ गया इसमें। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे लगातार चलाते हुए 5-6 मिनट तक पका लिया। तो यहाँ पे हमारा जो कॉर्नफ्लोर है ना
वो पक चुका है, ये देखिए बिल्कुल पक चुका है। तो इसमें डाल देंगे अभी मैं फ्लेवर के लिए, यहाँ पे डाल देंगे छोटी इलायची पाउडर और टूटी फूटी और पेस्ता बादाम और इसमें किशमिश डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे लगातार चलाते हुए मैंने इसे पका लिया है और इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी डालने से हमारा जो मिश्रण है ना कॉर्नफ्लोर और जूस की, ये चिपकेगा नहीं, ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। और एक चम्मच घी डाल दिया मैंने मिश्रण में और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी है मिश्रण मिठाई के लिए। तो मिश्रण को कंटेनर के अंदर डाल के 1-1.5 घंटे के लिए इसे ठंडा होने के लिए और सेट होने के लिए रख देंगे। तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप बाहर भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 1-1.5 घंटे के बाद हमारा जो मिश्रण है ना सेट हो गया, हाथ में नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल रेडी है। तो एक चाकू की मदद से इसे साइड से छुड़वा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए एकदम बिल्कुल रेडी है। चाकू की मदद से ऐसे करने से इसके अंदर हवा जाता है तो जल्दी निकल जाता है। तो एक प्लेट के अंदर रखेंगे और इसे निकल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर हमारा मिठाई बन के रेडी है, देखिए। और इसे कटिंग कर लेंगे। ये अंगूर का मिठाई आप अगर घर पे बनाएंगे तो आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने बोला था ना ये मिठाई इतना सुंदर है और इतना टेस्टी है, आप खाने से पहले ही देख के ही खुश हो जाएंगे, इतना सुंदर मिठाई है। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स इस मिठाई को, और आपके बच्चे को खिलाना, आपके परिवार को सबको खिलाना, और 1-2 महीने तक आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने सारे मिठाई को कटिंग करके रेडी कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स इसको मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी, ये देखिए आप घर पे ज़रूर ट्राई करना। और मेरे वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना कमेंट पे, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को ऑन करके ऑल कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, अगले वीडियो में मिलते हैं।